नमस्कार भैया, आप सभी म्यूजिशियन भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक बार बार सवाल आ रही है कि सर सिंपल सैंपलिंग कैसे होता है, सैंपलिंग टोन कैसे बनती है और सैंपलिंग आता कहाँ से है। तो बड़े बड़े म्यूजिशियन लोग, म्यूजिशियन भाई लोग सैंपल से टोन बना रहे हैं, अच्छे अच्छे टोन बना बनता है। किसी भी बेंजू को बजा लीजिए और बजा कर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, वेव फाइल बना लीजिए और अपने कीबोर्ड में लगा कर एक इंपोर्ट फोल्डर आता है, एक इंपोर्ट उसमें जाइए और इंपोर्ट फोल्डर में समय आपको समझाऊंगा जाकर, उसके बाद में उसको इंटर कीजिए तो अपने भी कीबोर्ड में आ जाएगी, उसके बाद में अपने से टोन बनाइए उसके लेवल देकर। तो आइए, मेरा एक चैनल है मुन्ना बिहारी सिंगर, तो हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें। अगर रोलन एक्सप्रेस 10 की विषय में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमसे आप कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर किसी भी चीज़ सीखना है, साउंड इफेक्ट करना है, जैसे एक बैकअप से दूसरा बैकअप में टोन ट्रांसफ़र करना है, मैं आपको सभी बात का उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए मैं आपको एक सिखा दूँ सैंपलिंग कैसे होता है। तो भाइयों, गूगल पर सर्च मारिएगा और सैंपलिंग रोलन एक्सप्रेस 10 का सैंपलिंग सैंपल चाहिए तो आपको दे देगी। और आप क्या कीजिएगा, सैंपल जब ले लीजिएगा बहुत सारे मिल जाएगा, बेंजू के हारमोनियम को मिल जाएगी। तो उसके बाद में मैं भी ऐसे ही किया था, तो उसके बाद में एक इंपोर्ट इसमें फोल्डर होता है पेन ड्राइव में, रोलैंड सॉन्ग लिस्ट इंपोर्ट और रोलैंड बैकअप वाले, तो तीन फोल्डर होते हैं। तो इंपोर्ट लगा देना है, उसमें डाल देना है इंपोर्ट में सैंपल, और मैंने डाल दिया है और आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे होती है सैंपलिंग। जैसे मैंने इसमें डाल दिया पेन ड्राइव में, मैंने इसको यूज किया और मैं सीधा मेनू बटन दाबे और उसके बाद में इफेक्ट सैंपल इनपुट, सैंपल इनपुट में गया और इसको पहले मैं बंद कर दूंगा, इसको मैं पहले बंद कर दूंगा, ओके। उसके बाद मैं चालू करूंगा और मैं सीधा मेनू बटन दाबूंगा और सिस्टम में कर्सर बटन दाकर और मैं सीधा सैंपल इनपुट में आऊंगा और बीबी जो लिख रहा है इसको इंटर करूंगा और इस नंबर पे हमको कहाँ सी बजानी है, को ए सर बी सर हमको यहाँ से बजाने उसको कर दिए, उसके बाद इंटर करेंगे सीधा, वेट करेंगे थोड़ा। देखते हैं कि आ गई बेंजू, बेंजू का सीधा काट कर मैंने ऐसे किया था। उसके बाद में देखिए, तो आपको जानकारी हो गई कि सैंपलिंग टोन कैसे बनती है और इसमें साउंड मॉडली जो है, साउंड मॉडली उससे क्वार्टेट, परफॉर्म, अटैक, रिलीज, सोरस, रिवर्ब डालेंगे तो बढ़िया टोन बनेगी। और आपको इसमें एक बार दे दिए, इसी तरह कर आपको क्या करनी है, तीन चार लगा देनी है, उसके बाद में एक साउंड जैसे सोलर लेयर के पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे कि सोलर लेयर कैसी बनती है, तो आप इसी तरह
वैसे बटन आपको उस वीडियो में बताए हैं उसी तरह जैसे स्ट्रिंग बजा लगाते हैं उसी तरह आपको इस सैंपल दाबिएगा तो सैंपल वाला ही टोन आएगी, उसी में आप बना सकते हैं। तो थैंक यू भैया, किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारा, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फोन